हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन आंसर, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 16 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि fx बराबर 1+x इंटू 1+x² इंटू 1+x⁴ इंटू 1+x⁸। ठीक है, और इसी का हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, और साथ ही साथ आपको f'1 भी निकालना है। तो देखिएगा, पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब पहले आपको इसमें लॉग लगाना होगा, क्योंकि इंटू में दो गो से ज़्यादा है। तो लॉग लगाएंगे तो इसको लिखेंगे लॉग fx बराबर, इस समय लॉग लगाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। तो लॉग इस तरह से हम लिख सकते हैं, लॉग 1+x प्लस लॉग 1+x² प्लस लॉग 1+x⁴ प्लस लॉग 1+x⁸। ठीक है, और ये कैसे हुआ से थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको m इंटू n इंटू माने, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n लॉग p इस तरह से। ठीक है, तो अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स का क्या होता है, 1/fx इंटू फिर इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को हम लोग लिखते हैं f'x। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, लॉग एफ एक्स को क्या लिखेंगे, 1/fx इंटू और फिर एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन को शॉर्ट में f'x लिखते हैं, और इसी तरह से इस सबको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो लॉग एफ एक्स का क्या होगा, 1/x एन टू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स का तो वन ही होगा क्योंकि वन का जीरो और एक्स का वन प्लस, और फिर इसका करेंगे तो लॉग फंक्शन है तो 1/1+x² एन टू और इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस, यह भी लॉग फंक्शन है तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/फंक्शन और इनटू में फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और x पावर 4 का क्या होगा 4x³ प्लस, उसी तरह से इसका तो 1/1+x⁸ गुणे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 8x⁷। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, f'x बराबर, इस एफ एक्स को इधर ले चलते हैं तो एफ एक्स और इनटू में ये सब उतारिए, 1/1+x प्लस इसको गुना कर दीजिए तो 2x/1+x² प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 4x³/1+x⁴, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 8x⁷/1x⁸। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस fx का मान रख देना है। तो fx मतलब क्वेश्चन, और fx का मान रख दीजिए तो 1+x, 1+x² 1+x⁴ इंटू 1+x⁸ और इंटू में ये सब तो वही रहेगा, 1/1+x प्लस 2x/1+x² प्लस 4x³/1+x⁴ प्लस 8x⁷/1+x⁸। ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर, क्योंकि इसको अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एफ एक्स था, f'x निकालना है। ठीक है, तो f'x निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे। तो इसमें और आपको बनाना था f'1। ठीक है, तो यहाँ x है तो x की जगह 1, तो इस सब में 1 रख दीजिए, तो लिखेंगे 1+1, 1+1 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और 1+1 ही आएगा क्योंकि 1^4 है, और यह भी 1+1 आएगा, और इंटू में इसमें भी रख देते हैं तो 1/1+1 प्लस, यहाँ 1 रखेंगे तो 2/1 प्लस, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1^2 1 ही होगा प्लस, और यहाँ 4 और 1³ तो 1 और बट्टा में 1+1। ये समझ में आ रहा है ना कि 1 रखेंगे, 1 को 4 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा प्लस 8/1+1 ही रहेगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, देखिएगा इसको आराम से बढ़ा सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4 और इसका एलसीएम ये सब हो जाएगा 1/2 + 2/2 + 4/2 + 8/2। ठीक है, अब चाहे तो इसको आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं,
तो इसको गुना कर दीजिए, दो दुना चार, दुना आठ दुना सोलह गुने, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो लघुत्तम दो, एक प्लस दो प्लस चार प्लस आठ, ठीक है। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा सोलह गुने, जोड़िएगा आठ चार बारह, दो चौदह एक पंद्रह, अब बट्टा में दूर इससे काट सकते हैं आठ, तब पंद्रह में आठ से गुना कीजिएगा तो 120, ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो 16 नंबर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन का अवकलन निम्नलिखित तीन प्रकार से करना है, यानी कि जो फंक्शन दिया गया है इसको आपको तीन विधि से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए पहला जो विधि है आपका गुणनफल नियम का प्रयोग करना है, मतलब u इंटू वी पर जो आप फॉर्मूला जानते हैं उसी पर लगाना है। दूसरा कहता है गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी कि पहले इसको आप ब्रैकेट तोड़ करके और एक बहुपद प्राप्त करके तब डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरा कहता है लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी कि इसमें लॉग लगाकर आपको बनाना है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं एक एक करके। तो देखिए हम पहला विधि से बनाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला विधि में मान लेते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स और प्लस नाइन, ठीक है। और इसको हमको पहला विधि से बनाना है, यानी कि गुणनफल का प्रयोग करके, यानी कि u इंटू वी पर ही इसको हम लोगों को बनाना है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको u इंटू वी पर तोड़ेंगे, यानी कि पहला को बाहर करेंगे प्लस इंटू दूसरा का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है ना, और प्लस दूसरा को बाहर करेंगे तो एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन बाहर हो गया, और पहला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी पहला आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस एट है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भारी नहीं है, ये बेचारा रह जाएगा जस के तस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, क्योंकि ये तो बाहर है, बस आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ध्यान से, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स का, तो सेवन ही होगा क्योंकि एक्स का वन हो जाता है, और नाइन तो कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा, तो इतना ही रह जाएगा प्लस इंटू में ये एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन तो बाहर है तो छोड़ दीजिए, और इसका हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसका आप देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन याद होगा टू एक्स होता है, और माइनस में फाइव एक्स है तो ये माइनस फाइव रहेगा, और एट का तो जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो ये इतना ही रह जाएगा। अब हम लोगों को इसी को गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए गुना करने का नियम बताते हैं, बड़ा आसान से, इसको उठाइए और तीनों में गुना कीजिए जैसे इस तरह से इसको, ठीक है। तो तीन में पहले इसे गुना करेंगे तो थ्री एक्स के पावर फोर, और तीन में ही पाँच से तो माइनस पाँच थे पंद्रह, और एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स क्यू, और आठ थ्री चौबीस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये थ्री एक्स स्क्वायर उठाए तो तीनों में गुना कर दिए, अब प्लस के बाद ये सात उठाएंगे और सात ये तीनों में गुना करेंगे, तो इस तरह से गुना कर सकते हैं तो सात एक्स स्क्वायर माइनस सात पचे पैंतीस एक्स और प्लस आठ सते छप्पन, ये हो गया ना, ये सात उठाए तो इस तरह से आप सात से गुना कर दिए पूरे में। उसके बाद इसमें भी उसी तरह से कीजिए, टू एक्स को उठाइए और टू एक्स में इस तीनों से गुना कीजिए, तो टू एक्स में अगर गुना करें एक्स क्यू से तो ये हो जाएगा टू एक्स के पावर फोर, और फिर ये टू एक्स में सेवन से तो सात दूना चौदह एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा नौ दूना अठारह एक्स, ठीक है। और एक लास्ट, उसके बाद हम लोगों को माइनस पाँच से गुना करना है सब में, तो माइनस पाँच से इसे गुना करेंगे तो माइनस पाँच एक्स क्यू माइनस में ये हो जाएगा सात पचे पैंतीस एक्स, और ये हो जाएगा नौ पचे पैंतालीस, तो ये तो माइनस में ही रहेगा माइनस में पैंतालीस, क्योंकि प्लस है ये माइनस है, ठीक है। ये कितना है माइनस पैंतालीस। अब देखिए, अब बस इसी को जात वाला को जोड़ घटाव कर दीजिए। देखिए ये थ्री एक्स के पावर फोर, तो पावर फोर वाला को देख लीजिए, यहाँ है तो तीन और दो तो मिलाएंगे तो कितना आएगा फाइव एक्स के पावर फोर। अब क्यू वाला देखिए पंद्रह गो और यहाँ पर पाँच गो, तो पंद्रह पाँच जोड़ सकते हैं बीस एक्स क्यू, क्योंकि दोनों माइनस में था। अब स्क्वायर वाला देखिए, तो स्क्वायर वाला यह है चौबीस गो और सात गो, तो चौबीस सात इकतीस गो, और यहाँ पर चौदह गो है, इकतीस और सात इकतीस और चौदह हो जाएगा पैंतालीस,
तो ये तो प्लस में 45 एक्स स्क्वायर। अब सीधा एक्स वाला देखिए, 35 गो और 35 गो, 70 गो, और 70 गो में से आपको 18 को जोड़ना है, यानी कि देखिए माइनस 35 माइनस 35, 70 माइनस 70 हो गया और प्लस 18 है, तो ये कितना बचेगा, माइनस में 52 एक्स बचेगा। उसके बाद 56 में से आपको 45 घटाना होगा, तो ये प्लस में 11 बचेगा, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा चीज़ था कि आपको इसको इवन टू भी पर तोड़ना था और इसका आंसर इतना आ गया। अब आपको करना क्या है कि ये जो तीन गो मेथड है, तीनों मेथड से आपको आंसर जो लाना है इतना ही लाना है। ठीक है, हम भी आपको लाकर दिखाते हैं कि तीनों से आंसर इतना ही आता है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर दूसरा इसका क्या कर रहा है, 17 का ही गुणनफल के विस्तार द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, यानी कि पहले इसको आपको गुणा करके ब्रैकेट तोड़ देना है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए हम लोग पहले इसको y मान लिए हैं, तो y बराबर पहले इसको गुणा करना होगा, इस x स्क्वायर को उठाइए और इस तीनों में गुणा कीजिए, तो x के पावर हो जाएगा 5, फिर x स्क्वायर में इससे तो 7x के पावर 3, और फिर इसी में तो 9x स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया कि एक को उठाए तीनों से गुणा कर दिए। अब आप क्या कीजिए, इस माइनस 5 को उठाइए, उसी तरह से इसमें गुणा कीजिए, तो माइनस 5x के पावर 4 माइनस 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर और 9 पचे 45 एक्स, ये माइनस में ही रहेगा। उसके बाद एक वो बचा हुआ है 8 वाला, प्लस 8 से गुना करेंगे तो 8 एक्स क्यू और 8 सते 56 एक्स और 8 नमा 72। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है कि इसको पहले जोड़ घटाव कर लेना है, जात वाला को जोड़ घटाव, जैसे वाई बराबर ये तो पावर 5 वाला को आप लिख लीजिए और 4 वाला पावर वाला को देखिए, तो 5 गो माइनस में और उसके बाद कहीं नहीं है, तो माइनस में 5 एक्स के पावर 4, और 3 वाला देखिए 7 गो और 8 गो, तो 8 7 15 एक्स के पावर 3, स्क्वायर वाला देखिए तो 9 एक्स स्क्वायर और स्क्वायर वाला एक और है 35 गो, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको तो आप जोड़ घटाव इसको करना होगा, तो ये बचेगा कितना, 35 में से 9 को घटा दीजिएगा तो 26 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और पावर 4 वाला तो लिखा गया, अब x वाला देखिए 45 गो x और प्लस 56 गो, तो 56 गो में से 45 को घटाइएगा तो प्लस में 11 एक्स, और 72 तो बेचारा अकेले है क्योंकि और कोई कांस्टेंट तो है नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम लोग को इसी का डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको अब हम लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए इस सब में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 5 का होगा 5 एक्स के पावर 4 माइनस, और इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, पावर को बाहर करता है तो 5 का 20 एक्स का पावर में से एक घटता है तो पावर 3 हो जाएगा, और प्लस ये गुना कीजिए उसी तरह से तो 15 तीय 45 और एक्स एस क्यू तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि ये घटेगा, और माइनस ये हो जाएगा पावर को बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो 26 दूना 52 होगा ना, तो 26 दूना 52x और प्लस में 11x का 11 कांस्टेंट का 0, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए आपको जो पिछला जो आंसर आया था वो अभी आंसर इतना ही आया था, देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है 5x के पावर 4 माइनस 20x क्यू प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। ठीक है ना, तो दो तरीका से तो हम लोग समझ गए हैं, अब एक और तरीका बचा हुआ है लॉग लगाकर। ठीक है, तो उस तरीका से भी हम लोग देख लेते। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 17 का तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि लघुगण किए अवकलन द्वारा। ठीक है, यानी कि लॉग लगाना है इसमें आपको, तो लॉग लगाना है तो देखिए पहले तो आप लॉग लगाइएगा, तो लिखिएगा लॉग वाई बराबर लॉग, देखिए ये इनटू में है ना, तो लॉग लगेगा तो ये प्लस में आ जाएगा इस तरह से, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आप प्लस देखिए लॉग m इंटू n लगा रहे हैं, तो लॉग m प्लस लॉग n, यानी इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक लाइन शॉर्ट लगाएं कि दोनों तरफ लॉग लगाते तो इसको लिखते m, इसको n, तो लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सीधी सी बात, तो log y का आप लोगों को पता होगा 1/y dy/dx बराबर, उसी तरह से इसका भी आपको करना होगा, log फंक्शन है तो 1/फंक्शन और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो d/dx
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस इसको भी उसी तरह से एक बट्टा फंक्शन और इनटू में इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स और प्लस में नाइन, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, एक बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, और इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को करना होगा। तो एक्स स्क्वायर का बताइए कि टू एक्स होता है और फाइव एक्स का तो फाइव ही रहेगा और एट का ज़ीरो, यानी कि टू एक्स माइनस फाइव ही रह जाएगा। प्लस एक बटा एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, ये तो बेचारा है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो इसका देखिए थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का और सेवन एक्स का सेवन और नौ का कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो, यहाँ समझ में आ गया ना। अब हम लोग इसको बढ़ाते हैं, तो हम लोगों को तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इस y को इधर लाते हैं तो y इन टू और ये बचा 2x माइनस फाइव बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, प्लस इसको गुना करेंगे तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन और बट्टा में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स और प्लस नाइन, ठीक है। अब हम लोग को इसको भिन्न का जोड़ बनाना होगा, तो देखिए इसको लिखेंगे dy वाई बाई डी एक्स बराबर, और y तो छोड़ दीजिए, पहले इसको भिन्न के जोर बनाइए। तो लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों को लिखना होगा, ये उतार देते हैं जस का तस, ठीक है, ये दोनों को उतार दिया। अब इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना, तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन और इनटू में टू एक्स माइनस फाइव प्लस, और इसमें इससे गुना होगा, तो इसको लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में फाइव एक्स प्लस एट और इनटू में क्या रहेगा थ्री एक्स स्क्वायर अब प्लस सेवन, ठीक है। और यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि इसको गुणा करना होगा, और इसी को हम लोग अभी जस्ट हमको लगता है कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको गुणा करके बताए थे और जो गुणा किए हैं वही सेम चीज़ है, यही चीज़ है आपको कि देख लीजिएगा ध्यान से, एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू टू एक्स माइनस फाइव है ना, एक्स क्यू या एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन इंटू टू एक्स माइनस फाइव, और एक है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस एट इंटू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, यही चीज़ है। अब इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस सबको गुना करके हम आराम से लिख सकते हैं इतना, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डायरेक्ट लिखते हैं, इस वाई का मान हम रख देते हैं क्वेश्चन से, वाई किसको माने थे उसको, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू में एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स और प्लस में नाइन, और इंटू में क्या करते हैं इसको आप लोग खुद से गुना कर सकते हैं क्योंकि हम गुना कर चुके हैं एक बार, तो इसको हम गुना करके लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कितना आएगा, इतना आएगा फाइव एक्स के पावर फोर माइनस बीस एक्स क्यू प्लस पैंतालीस एक्स स्क्वायर माइनस बावन एक्स और प्लस में ग्यारह, ठीक है। और बटा के नीचा में ये तो रहेगा ही, ये दोनों इनटू में है सो रहेगा ही, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अब इससे हम इसको इससे काट सकते हैं ना, सेम चीज़ है, तो ये कट गया, कटने के बाद क्या बचा देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा, फाइव एक्स के पावर फोर माइनस बीस एक्स क्यू प्लस पैंतालीस एक्स स्क्वायर माइनस बावन एक्स और प्लस में ग्यारह, ये हो गया आपका आंसर। और इस तरह से आप तीनों से आंसर निकाले तो समान ही आया है, इससे भी आंसर उतना ही था। तो ये जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन था कि तीनों से आपको आंसर जो है सेम लाना है, तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग भी देख ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि u, v तथा w, यानी तीन गो चीज़ है, u, v और w x के फलन है, यानी कि u और v w जो है x के रूप का कोई फलन है, तो दो विधियों अर्थात प्रथम जो है गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी कि पहला तो आपको u इंटू v का जो दोबारा लगाकर आपको करना है डिफ्रेंसिएशन, और दूसरा जो है आपका लॉग लगाकर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इस बात को सीखते हैं।
पहला तरीका से समझ लीजिए कि आपको इवन टू भी माना है तो वाई बराबर मान लीजिए यू वी डब्ल्यू, ठीक है, और इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको एगो यू इन टू इस तरह से आप लिख सकते हैं वी डब्ल्यू को इस तरह से, ताकि आपको पता चले इसको यू माने हैं और इसको वी माने हैं, ठीक है। तो इधर डी बट्टा डी एक्स हम लगा देते हैं ताकि आप यू इन टू वी पर इसको तोड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स बराबर, इसको यू माने और इस पूरे पार्ट को भी मान लीजिए, तो यू को बाहर कीजिए और भी का डिफ्रेंसिएशन प्लस भी को बाहर करें तो भी तो ये है, और फिर हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन करना होगा यू का, तो ये यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बस इसी को आप लोगों को तोड़ना है, तो यू को ये छोड़ दीजिए और इसको क्या करना होगा, इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा यू इन टू वी, क्योंकि यहाँ पर कह ही रहा था कि पुनरावृत्ति होगा यानी कि रिवाइज दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको फिर से यू इन टू वी तोड़िए, तो पहला को बाहर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, ये ठीक है, यू इन टू वी पर इसको फिर से तोड़ दिए और प्लस में वी डब्ल्यू रहेगा और ये हो गया डी यू बाय डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप क्या कीजिए, इस u से दोनों ब्रैकेट में गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो क्या लिखेंगे इसको, u v डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस, और इसको गुना करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं u और w और ये हो गया डी वी बाय डी एक्स, और प्लस के बाद ये वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स तो है ही, ठीक है। अब बस इसी को सजा कर ऐसा लिख देना है ताकि आपको इस तरह से दिखे, तो चलिए हम लोग इसको सजा कर थोड़ा लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो इसको पहले हम लोग क्या करें, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, कि पहले हम लोग इसको लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स और इनटू में वी डब्ल्यू, ये चीज़ हम लिखे हैं पहले, उसके बाद हम लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम लिखने का एक तरीका देखते हैं, यू को पहले लिखे उसके बाद वी वाला लिखे, तो डी वी बाई डी एक्स और इनटू में ये डब्ल्यू, प्लस के बाद इसको अब लिखेंगे यू वी और तब डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, और इधर हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और यही चीज़ आपको साबित करना था, देख लीजिए कि यू डी यू बाय डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू, और इसको आप चाहे तो यहाँ पर वाई का मान आप रख सकते हैं, तो एक लाइन आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं डी बट्टा डी एक्स वाई का मान यू वी डब्ल्यू यहाँ लिख दीजिए और ये सब उतार दीजिए जस का तस, तो डी यू बाय डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू का फॉर्मूला आप डायरेक्ट चाहे तो याद भी रख सकते हैं कि कैसे होता है, तो याद रखिए यू का डिफ्रेंशिएशन तो दो गो चीज़ बच गया उसको बाहर, फिर B का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो दो गो चीज़ जो बचेगा उसको बाहर, और फिर W का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो दो गो चीज़ जो बचेगा बाहर, ठीक है। पहला मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को दूसरा मेथड एक और है आप लोगों को लॉग लगाकर बनाना, तो देखिए दूसरा मेथड समझिए कि लॉग लगाना है, तो पहले मान लीजिए वाई बराबर यू वी और डब्ल्यू, इसमें पहले आप लोगों को लॉग लगाना है, तो लॉग लगाइएगा तो लिखिएगा लॉग वाई बराबर लॉग यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं log y बराबर, इसको तो log m इंटू एन पर तोड़ना होगा, तो इसको लिखेंगे log u प्लस log v प्लस log w, क्योंकि तीन को चीज़ है तो इसको आप तीनों को तोड़ सकते हैं। अब हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट लिख सकते हैं log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक बट्टे वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, log u का क्या होता है एक बट्टे यू डी यू बाई डी एक्स प्लस log v का क्या होगा एक बट्टे वी डी वी बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है ना, प्लस लॉग डब्ल्यू का क्या होगा एक बट्टे डब्ल्यू और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब इसी को हम लोगों को लिखना होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करें, इस वाई को इधर ले आते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई और इंटू में ये सब वही रहेगा एक बट्टे यू डी यू बाई डी एक्स प्लस एक बट्टे वी डी डब्ल्यू बाई डी वी बाई डी एक्स प्लस वन बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हमको लगता है कि आप लोगों को नहीं होगा, आगे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा।
अब हम लोगों को क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, इस वाई का मान रख देना, तो वाई का मान है यू वी और डब्लू, और इनटू में ये सब बेचारा है, और बेचारा सबको आसानी से आराम से चुपचाप उतार दे रहे हैं, ठीक है, आराम से उतार दिए। उतारने के बाद क्या करना है, इस यू वी डब्लू से इस तीनों में गुना करना होगा इस तरह से, ठीक है। तो गुना करेंगे तो देखिए, इसमें गुना करेंगे तो यू से यू तक कट जाएगा, तो दो गो बचेगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिएगा इसको क्या, इसको गुना करेंगे तो यू से यू कटेगा, तो हम इसको पहले लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स और वी डब्लू, यू से यू तो कट गया प्लस, अब इसमें गुना करेंगे तो वी से वी कटेगा, तो इसको लिखेंगे यू, और देखिए वी से वी कटेगा तो डब्लू बचेगा और ये बचेगा, तो इसको लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स और डब्लू प्लस, इससे इसमें गुना करेंगे तो डब्लू से डब्लू कटेगा तो यू वी बचेगा ना, तो यू वी और बचेगा डी डब्लू बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी बट्टा डी एक्स, और देखिए y है, y मतलब यू वी और w, और बराबर के बाद ये सब जस के तस छाप दीजिए, डी यू बाई डी एक्स वी डब्लू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स w प्लस w, देखिए u, ये u है v और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो गया आपका दूसरा तरीका से फॉर्मूला प्रूफ। यही आप लोगों को करना था कि एक यू इंटू वी का पुनरावृत्ति करके यानी रिपीटेशन करके, और दूसरा जो है आपको लॉग लगाकर बनाना था। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया होगा, आपको एक तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ गया है, और कैसा लगा सो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।